Dear students, welcome to Direct Admission Center. Direct Admission Center channel में हम आप लोगों के लिए free admission allot और free online classes regular और distance course के लिए provide कराते हैं. यदि आपको किसी भी course में admission लेनी है या किसी के admission करवानी है तो इस channel को जल्द से जल्द subscribe कर ले ताकि आपको admission संबंधी notification सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके. Dear students, आज मैं पीएचडी एडमिशन के बारे में बात करूंगा. जी हाँ, रांची यूनिवर्सिटी से पीएचडी और एमफिल करने के लिए, पीएचडी तथा एमफिल इंटरनल टेस्ट में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है. अभी इसको बढ़ा करके 25 अप्रैल 2020 तक कर दिया गया है. तो जो स्टूडेंट्स पीएचडी या एमफिल एडमिशन के लिए रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाए थे वे लोग अब पीएचडी या एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट जो एमए एमएससी एमकॉम पीजी में पीजी के फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं या फाइनल सेमेस्टर में वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. यह पीएचडी इंटरनल टेस्ट 2017-18 का नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी लेट से एग्जाम लिया जा रहा है. उसी तरह यह एमफिल का जो डेट बढ़ाया गया उसका नोटिफिकेशन है. यह एमफिल इंटरनल टेस्ट 2018 का हो रहा है जिसका डेट बढ़ा करके 25 अप्रैल 2019 किया गया है. वैसे सभी स्टूडेंट जो एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं वे लोग भी एमफिल या पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं जिसका लास्ट डेट 25 अप्रैल 2019 है. यह ओल्ड वाला नोटिफिकेशन है. इंस्ट्रक्शन के लिए आपको पहले वाला नोटिफिकेशन ही देखनी पड़ेगी. एमफिल का परीक्षा शुल्क 500 रुपया है जिसको आप डीडी के रूप में कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय रांची में दे हो. जी हाँ, द सेक्रेटरी रांची यूनिवर्सिटी रांची टेबल एट रांची के नाम से डीडी बनेगा. अगर आप डाउनलोडेड अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल तथा ओबीसी के लिए 300 रुपये का अलग से एक डीडी बनाना पड़ेगा तथा एससी एसटी के हैं तो आपको 200 रुपये का अलग से डीडी बनाना पड़ेगा और वो डीडी और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय शहीद चौक रांची झारखंड पिन कोड दिया गया 83401 इस पर आपको स्पीच पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजनी है. आप हैंड टू हैंड भी जमा कर सकते हैं. एमफिल में अप्लाई करने का सब्जेक्ट है हिंदी उर्दू बंगला अंग्रेजी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा दर्शन शास्त्र इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान भूगर्भ शास्त्र जीव विज्ञान वनस्पति शास्त्र भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र गणित संस्कृत एवं वाणिज्य ये सभी एमफिल के सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. एमफिल में प्रत्येक विषय के लिए 10 सीटें हैं जिसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया झारखंड गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा तथा एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया कि इसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 100 मार्क्स के होंगे और 100 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे. एमए एमएससी एमकॉम के जो कंपलसरी थ्योरी पेपर है उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे. उसी तरह यह पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2017 का नोटिफिकेशन है पुराने वाले जिसमें बताया गया कि आपको अप्लाई करने के लिए पीएचडी में अप्लाई करने के लिए 2500 रुपये एग्जाम फी है जनरल तथा ओबीसी के लिए तथा 2000 रुपये एससी एसटी के लिए है. साथ ही साथ यदि आप डाउनलोडेड अप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये का अतिरिक्त डीडी बनाना पड़ेगा. पीएचडी का आपका सब्जेक्ट है जैसे हिंदी उर्दू बंगला अंग्रेजी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा दर्शन शास्त्र इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल राजनीति शास्त्र मानव विज्ञान मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान भूगर्भ शास्त्र जीव विज्ञान वनस्पति शास्त्र भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र गणित संस्कृत एवं वाणिज्य. इस यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए जो इंग्लिश में कमज़ोर है. ये पीएचडी इंट्रेंस के बारे में गाइडलाइन दिया गया है. पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और 100 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा. ग्रुप ए में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा. ग्रुप बी में आपका
जो पीजी के कंपलसरी थ्योरी पेपर है उनसे क्वेश्चन होंगे। ग्रुप ए में आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे और ग्रुप बी में 80 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का रहेगा मल्टीपल चॉइस, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% लाने हैं आपको जनरल तथा ओबीसी वाले के लिए, तथा 45% एससी एसटी कैंडिडेट को मिनिमम लाने हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टी एंड आर लैंग्वेज, उर्दू, जूलॉजी। पीएचडी या एमफिल अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बीए, बीएससी या बीकॉम का सर्टिफिकेट, एमए, एमएससी, एमकॉम का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन बनाना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यदि आप इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको इसकी जानकारी हो सके। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का तथा अप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ अन्य स्टूडेंट्स को भी मिल सके। एडमिशन संबंधी किसी भी तरह की जानकारी के लिए या किसी भी कोर्स में एडमिशन करवाने के लिए आप हमें हमारे ईमेल आईडी directadmissioncenter@gmail.com, जी हाँ directadmissioncenter@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।